आयोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। जाति आधारित जनगणना के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हाईकोर्ट जाएं। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवान तैनात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां तेज, भारतीय नौसेना ने झांकी का किया अनावरण। एशियाड में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट कविता दलाल ने वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि मेरा भी उत्पीड़न हुआ। सीएम गहलोत का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरा, मुख्यमंत्री ने की किसानों को गन्ने की रेट पंजाब के बराबर देने की घोषणा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में बालिकाओं से किया संवाद, विधायक फूल सिंह मीणा साथ रहे मौजूद। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को किया गया अजमेर कोर्ट में पेश, 3 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली पाली दौरे पर, इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत का सीकर दौरा, निर्माणाधीन अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को देखकर जताई खुशी। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर, 3 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का गुब्बारे छोड़कर किया शुभारंभ। कोटा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हंगामा, प्रभारी मंत्री के सामने ही डीसीसी कार्यालय में भिड़े कांग्रेसी। जैसलमेर में भारत मिश्र का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, धोरों के बीच सेना दिखा रही दम, 14 दिन चलेगा सैन्य अभ्यास। चौमू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों के साथ हमले में 6 लोग घायल। पाली नगर परिषद के बाहर हुआ जोरदार हंगामा, प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। जालौर के बागोड़ा में टावर पर चढ़े 2 पंचायत समिति सदस्य, बीडीओ को तत्काल हटाने की मांग पर अड़े। झुंझुनू की सिहोडिया की ढाड़ी में लीज को लेकर फिर हंगामा, लीज स्थल पर पुलिस ग्रामीण हुए आमने सामने। झुंझुनू में एक बुजुर्ग को सेक्स टॉर्शन के नाम ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने, बदनामी के डर से बुजुर्ग ने किया सुसाइड। जोधपुर में युवक से मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, मामले को लेकर बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज, जांच जारी। जयपुर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में सड़क निर्माण को लेकर हंगामा, स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पशु चिकित्सकों का आमरण अनशन जारी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे अनशन। कोटा में बाइक सवारों ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में एक नवजात का शव पेड़ पर कंबल में बंधा मिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन का आयोजन, 7 स्कूलों के 205 बच्चों ने भाग लिया। एआईटीए पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का हुआ समापन, राजस्थान के फरदीन कमर बने चैंपियन। गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 253 अंक तो निफ्टी 85 अंक लुढ़का। शादी के सीजन में सोना चांदी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 56,746 रुपए बिक रहा। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का ट्रेलर आउट, सीरीज 17 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। कपिल शर्मा की मोस्ट अवेटेड फिल्म जीविकाडू की रिलीज डेट आउट, 17 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। टी20 ट्राई सीरीज में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया, अफ्रीका को 27 रनों से मात दी। भारत की अमनजोत कौर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 किया डेब्यू, दमदार प्रदर्शन कर जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।